Hello friends, welcome to Chem Doctor ID. I am Alok sir. Today we are going to learn about uses of metals. Okay. So इसके पहले जो है हम लोगों ने देख लिए कि metals and non-metals होते क्या हैं, ठीक है? उन्हें किस तरह से हम लोग identify कर सकते हैं with the help of their properties. Then we have discussed about two different type of properties like chemical properties and physical properties. And then each properties we have discussed about each metal and non-metals. Okay. Now the last part of this, that is actually there are different type of parts. Okay, in this chapter. Okay. First of all, we have discussed about the what are metals, non-metals, and their properties. And now we are going to study about their uses. Okay. In the second part, we will be discuss about some ionic compounds. Okay, their formation. Okay, that all the things we will be discussing in later classes. So आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो है यूजेस, ठीक है, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. क्लियर है? तो जिन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिए, अब उन्हीं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के जो यूजेस हैं, ठीक है, चाहे हम लोग डेली लाइफ में यूज करने में आता हो या फिर इंडस्ट्रियल यूज हो या किसी भी तरह का यूज हो, ठीक है, कहाँ यूज होता है ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो देखिए, ये है आपके सामने यूजेस, ठीक, ये है आपके सामने यूजेस किसके, मेटल्स के. सो मेटल्स के यूज, एक्चुअली जो यूजेस है, ठीक है, यूजेस ये याद रखना बहुत इजी है, ठीक है, इजी टू रिमेंबर, इजी टू रिमेंबर, ठीक है, यूजेस याद रखना बहुत आसान सी बात है. ओके, बिकॉज हम ये क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जैसे आयरन की बात है, आयरन का यूज कहाँ होता है तो हमको पता है ना. ओके, तो चलिए बात करते हैं, एक एक करके एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं हम लोग. सो मेटल आर यूज्ड फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पर्पस, ठीक है, सम ऑफ द यूजेस ऑफ मेटल्स आर गिवन बिलो. नाउ द फर्स्ट वन, ओके, जो सबसे पहला है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम. देखिए, मेटल के यूजेस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम की बात अगर हम करते हैं, सो दिस टाइप ऑफ मेटल्स आर यूज्ड टू मेक वायर्स, टू मेक वायर्स, ओके, टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट. ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट कैरी करने के लिए, ठीक है, जो हम वायर्स हम लोग यूज करते हैं, ओके, वो जनरली काय के बने होते हैं, वो बने होते हैं कॉपर के या फिर वो बने होते हैं एल्यूमिनियम के, ठीक है ना. अब इसका रीजन क्या है, क्यों हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, क्यों हम लोग इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज करते हैं, तो इसका जो रीजन है वो है, वो इस, वो ये है कि कॉपर और एल्यूमिनियम ये जो दो मेटल्स हैं, ठीक है, दे, ये जो मेटल्स हैं, दे हैव अ वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इसका मीनिंग क्या हो गया, हाई इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मतलब जो भी फॉर एग्जांपल जैसे वोल्टेज अप्लाई होगा, ठीक है ना, तो उसका बहुत ही कम पार्ट जो है वो रेजिस्ट करता है और बाकी जितने पार्ट है वो अलाउ करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू वो करंट फ्लो होने के लिए, ठीक है ना. तो बहुत ही कम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, और ज्यादा से ज्यादा करंट क्या करेगा, वो अलाउ करेगा टू फ्लो थ्रू इट, एंड हेंस वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. तो ये जो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, दिस आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, बिकॉज दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम एंड दे ऑफर वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ओके. सो आप देख सकते हैं, ठीक है, तो घर में बोलो या फिर जो भी इलेक्ट्रिक पोल्स, जैसे कि आप देखते हैं, ठीक है, आप देखते हैं कि आपके गाँव में, ठीक है, आपके गाँव में क्या देखते हैं आप, इलेक्ट्रिक पोल्स देखते हैं, गाँव शहर कहीं पर भी देख लिए, इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक, ये दो इलेक्ट्रिक पोल्स ऐसे वायर से, ठीक है, कनेक्टेड रहते हैं, ये काय की वायर रहती है या तो ये रहती है हमारी एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रिकल वायर, ओके. सो इससे, इसके थ्रू क्या फ्लो होता है, इसके थ्रू फ्लो होता है करंट, ठीक है, थोड़ा छोटा दिख रहा है लेकिन समझिए, इसके थ्रू क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, क्लियर है. सो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, सेकेंड जो है यूज, जैसे आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये जैसे कि अभी कॉपर एल्यूमिनियम के बारे में लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, इवन आयरन के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, लेकिन उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम है, यस, ओके. सो आयरन, कॉपर मेटल एंड एल्यूमिनियम मेटल आर यूज टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल्स एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट.
ओके ये तो बहुत आसान सी बात है कि हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम के इनके जो यूटेंसिल्स होते हैं, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन है ना, इनके जो बर्तन रहते हैं ये हमारे घर में अवेलेबल है ना, हमारे घर में ये सभी चीजें अवेलेबल है, जैसे कि आयरन से बनी हुई, ठीक है, आयरन मतलब देखो आयरन इन द फॉर्म ऑफ स्टील, ठीक है, आयरन किस फॉर्म में, स्टील के फॉर्म में, एक्चुअली स्टील जो है ये आयरन से ही बनता है, आयरन प्लस कार्बन, ठीक है, इट इज जस्ट लाइक एलॉय, सो स्टील जो होता है इट इज अ मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ द आयरन, ओके, कार्बन मिलाने के बाद, तो ये जो स्टील, स्टील के जो है हमारे घर में यूटेंसिल्स है ना, आप देखते हैं उसमें हम लोग खाना बनाते हैं, कॉपर के भी होते हैं हमारे घर में, और आपने देखा है जो अपने पास में थर्मस फ्लास्क जो बॉटल होती है, ठीक है, जिसमें बहुत समय तक ये पानी गर्म रहता है या चाय गर्म रख सकते हैं हम लोग, सो ये क्या बात, ये एल्यूमिनियम की बनी होती है ना, तो आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम की बहुत सारी चीजें जो बनी है, इवन जो हम लोग आजकल खिड़की बनाते हैं, घर बना लिया हमने, ठीक है, घर बना लिया, तो स्लाइडिंग वाली जो है खिड़की, खिड़की में, ठीक है, आप स्लाइडर लगाते हैं, तो स्लाइडर में भी आप देख सकते हैं कि उसमें क्या यूज होता है, उसमें भी एल्यूमिनियम यूज होता है, ठीक है, ये आजकल जो आप शो पीस के जो सॉरी शो के जो दरवाजे आते हैं ना, मतलब डुअर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, डुअर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक, तो जो डुअर्स होते हैं जो बहुत हल्के होते हैं, तो उसमें भी क्या है, एल्यूमिनियम जो है यूज होता है, ओके, सो ये यूजेस हो गए, ये बहुत ही आसान से यूजेस है, इनको लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। जिंक इज यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग, ओके, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए जिंक इज यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन, मान के चलो, ठीक है, ये आपके पास में, ये आपके पास में आयरन की रॉड है, ठीक है, ये आयरन की रॉड है, क्लियर है, ठीक, या जो भी मान लो आप स्टील बोल लो, ठीक है, ये आयरन बोल लो, ठीक है, अब आयरन को क्या हो सकता है, आयरन का करोजन हो सकता है, तो क्या करेंगे कि जिंक एक ऐसा मेटल है जिसका इजीली करोजन नहीं होता, जिंक का जो है इजीली करोजन नहीं होता, तो क्या होगा कि ये जो जिंक है, जिंक मेटल की, जैसे ये आपका आयरन का रॉड है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा जो है आयरन का रॉड है, ठीक है ना, ये है आयरन रॉड, तो हम क्या करेंगे इसमें, अब क्या करेंगे, जिंक की, ठीक है, जिंक मेटल की, अब एक्चुअली ये जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग इलेक्ट्रोपेटिंग बोलते हैं, मतलब ठीक है जो भी रॉड है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, ये जिंक मेटल की जो है, जिंक मेटल की एक थीन लेयर जो है इसके ऊपर डिपॉजिट की जाती है, जिंक लेयर की थीन लेयर इसको डिपॉजिट की जाती है इसके ऊपर में, तो अब क्या होगा, जैसे कि जिंक का मान के चलो, देखिए जब ये जिंक जो है ना ऑक्सीजन में बहुत ही स्लोली रिएक्शन करता है, तो ये जिंक ऑक्साइड बना भी लेता है, लेकिन ये जिंक ऑक्साइड भी कैसा रहता है, ये स्ट्रांग रहता है, तो देखिए आयरन रॉड के ऊपर अब जो है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोपेटिंग हो गई, जिसको हम लोग यहाँ पर जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं गैल्वानाइजिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं, गैल्वानाइजिंग, सो गैल्वानाइज हो गया हमारा जो आयरन रॉड है, ठीक है, किसकी हेल्प से, जिंक की हेल्प से, है ना, सो अभी क्या हो गया, अब ये आयरन डायरेक्ट, ये जो आयरन है ये डायरेक्ट ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में अब नहीं है, ठीक है ना, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में कौन है, वो जिंक मेटल है, क्लियर है, पर जिंक मेटल का इजीली करोजन नहीं होता, क्लियर है, तो इस तरह से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम रस्टिंग, क्लियर है, तो ये है जिंक का यूज हो गया, क्लियर है। क्रोमियम एंड निकेल, आपने देखा होगा घर में जो आपके पास में जो घर की बकेट वगैरह है, फॉर एग्जाम्पल है ना, बकेट वगैरह है, तो इन बकेट्स में भी जो है, ठीक है, ये जो बकेट आप देखते हैं स्टील की आप जैसे बोलते हैं, तो एक्चुअली इनमें भी क्या किया जाता है, गैल्वेनाइज्ड किया जाता है जिंक से, उस स्टील के बर्तन को, आयरन के बर्तन को, तो उसी वजह से वो प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है, इजीली जंग नहीं लगता। क्रोमियम की बात करते हैं, क्रोमियम एंड निकेल मेटल आर यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील, ठीक है, तो देखिए स्टेनलेस स्टील ये, ठीक है, सिर्फ देखिए आयरन तो डेफिनेटली इसमें प्रेजेंट रहता है, लेकिन क्रोमियम एंड निकेल की हेल्प से भी, मतलब स्टेनलेस स्टील का और भी अच्छी क्वालिटी, फॉर एग्जाम्पल अपने को मेंटेन करना है तो हम लोग क्रोमियम और निकेल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम और निकेल, ये जो मैं बात कर रहा हूँ जिसे स्टेनलेस स्टील की, तो जैसे घर के आप लोग आजकल नल देखते होंगे, है ना, जो घर के नल रहते हैं आजकल, ये बहुत स्टाइलिश टाइप के आते हैं, एकदम शाइन करते रहता है ना, ये कैसे करते रहते हैं, एकदम शाइन, ठीक है, एकदम चमकदार दिखते हैं हम लोगों को, ठीक है ना, तो ये जो नल है, ठीक है, ये जो नल है, ये जो एकदम आप देखते हैं स्टेनलेस स्टील के बने हुए, एक्चुअली ये क्रोमियम निकेल और आयरन ने जो स्टील से बना है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेनलेस स्टील, उसके बने होते हैं, और ये क्या करते हैं, एकदम शाइन करते हैं, है ना, एकदम शाइन करते रहते हैं, आजकल ये घरों में लगाते हैं हम लोग, तो ये काके बने होते हैं, ये बने होते हैं स्टेनलेस स्टील, ठीक है, जिसमें क्रोमियम और निकेल भी प्रेजेंट रहता है, क्लियर। और इलेक्ट्रोपेटिंग का मतलब आपको मैंने वही बताया, जैसे कि हम लोग जिंक की लेयर, ठीक है, क्या करते हैं गैल्वेनाइज, जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, आयरन रॉड के ऊपर में, उसी तरह से हम लोग क्रोमियम एंड निकेल की भी क्या करते हैं,
लेयर जो है डिपॉजिट करते हैं दूसरे मेटल के ऊपर में, बिकॉज इनका जो है इजीली क्या है करोजन नहीं होता इसलिए, ठीक है ना, तो दूसरे मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसे जो है सिंपल सी यूजेस है। अभी आप देख सकते हैं ये जो है, ठीक है, ये जो दिस बीन्स मेड अप ऑफ स्टील, ठीक है, मेड अप ऑफ स्टील हैव बीन गैल्वनाइज्ड कोटेड विद जिंक मेटल, ओके, तो इसका जो है इजीली क्या नहीं होगा, इसका जो है इजीली करोजन नहीं होगा। ठीक है, इन ड्रम्स को आप लोग देख सकते हैं, क्लियर है। सिमिलरली आप देख सकते हैं जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये जो हमारे साइकिल्स होती है, बाइसिकल होती है, ठीक है, उसमें ये आप ये जो अपैरेट सॉरी ये जो है पार्ट देख सकते हैं, क्लियर है, ये भी क्या है आपका साइकिल के हैंडल का पार्ट हो गया, क्लियर है। तो ये सब चीजें आप देख रहे थे कि काय के बने होते हैं, ये मेटल्स के बने होते हैं, इनका इजीली करोजन नहीं होता, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्रोमियम मेटल इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट, मतलब जो स्टील ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, मतलब व्हीकल्स बनाने के लिए जैसे साइकिल हो गए, हमारे गाड़ी हो गए बनाने के लिए यूज करते हैं, उसमें क्रोमियम मेटल की जो है, ठीक है, उसकी जैसे कि हम लोगों ने जिंक की बात की यहाँ पर आयरन रॉड के ऊपर में, ठीक है, उसका गैल्वनाइजेशन, उसी तरह से क्रोमियम मेटल की जो है लेयर डिपॉजिट की जाती है आयरन या स्टील ऑब्जेक्ट के ऊपर में, जिसकी वजह से जो है ये शाइनी नजर आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कैसे दिखते हैं, ये शाइनी दिखते हैं और इनका कोरोजन, ठीक है, आसानी से नहीं होता। आप देख सकते हैं कि बाइसिकल जो रहती है या व्हीकल आपके कई दिनों तक पानी में पड़े रहते हैं लेकिन उनका जो है करोजन नहीं होता, क्या नहीं होता उनका, उनका करोजन नहीं होता, करोजन उनका नहीं होता, ठीक है। तो रीजन क्या है, बिकॉज वो क्रोमियम के कॉन्टेक्ट में है, क्रोमियम जो है इजिली जो है उसका करोजन नहीं होता, तो वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है अंदर के, ठीक है, आयरन या स्टील के ऑब्जेक्ट को, क्लियर है। आप ये इमेज में देख सकते हैं, इस इमेज में क्या देख सकते हैं आप लोग, लीड मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग कार बैटरीज, ठीक है, तो जो लीड मेटल होता है ना इसका यूज किया जाता है कार बैटरीज बनाने के लिए, क्लियर है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और भी बहुत सारे यूजेस है, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल की मैं बात करूँ, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल की अगर मैं बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चॉकलेट्स के पैकेट्स है, ठीक है, चॉकलेट्स के पैकेट्स है, सिगरेट के पैकेट्स है, ठीक है, तो ये चॉकलेट सिगरेट, ठीक है, इनके जो पैकेजिंग अगर आप देखेंगे, ठीक है, पैकेजिंग अगर आप देखते हैं, क्लियर है, या आप देख सकते हैं हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हैं फूड मटेरियल पैक करने के लिए, ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो रोटी हमको अगर पैक करके लिया है तो हम लोग एल्यूमिनियम की फॉइल में उसको पैक कर सकते हैं, फूड मटेरियल पैक कर सकते हैं, ठीक है, मेडिसिन जो होती है, ठीक है, इन्हें पैकेज पैक करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल, ये बहुत कॉमन यूज है एल्यूमिनियम फॉइल का, ठीक है, जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। इसके बाद में जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, इनका यूज तो आप लोगों को पता है, जनरली इनका यूज जो है ज्वेलरीज बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, कहाँ यूज किया जाता है इनका, ज्वेलरीज बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है, ओके, सो उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड की मैंने बात की है, तो थिन फॉइल मेड ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज्ड टू डेकोरेट स्वीट्स, ठीक, आपने देखा होगा जो बहुत ही महंगे मिठाई होते हैं, ठीक, जो बहुत ही महंगे मिठाई होते हैं, ठीक, सो उनमें क्या किया जाता है, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड की बहुत ही थीन फॉइल्स, ठीक है ना, का यूज किया जाता है डेकोरेट करने के लिए, है ना, उसकी वजह से जो है और भी अच्छी वो जो है जो स्वीट्स है वो दिखाई पड़ते हैं, अच्छे दिखने लगते हैं। द लिक्विड मेटल मर्क्यूरी, आपको पता है मर्क्यूरी कहाँ यूज होता है, जो हम लोग लैब में थर्मोमीटर यूज करते हैं ना, ठीक है, यहाँ थर्मोमीटर बराबर बना नहीं मेरे से, ठीक है, इसको हम लोग बना लेते हैं, जो हम लोग थर्मोमीटर यूज करते हैं, ओके ओके, इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है, ओके, जैसे कि हमारे पास में फॉर एग्जांपल, ओके गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास में क्या है, आपके पास में है थर्मोमीटर, आपके पास में थर्मोमीटर है, ठीक है, तो थर्मोमीटर का जो एक पार्ट होता है, ठीक है, ऐसा, और एक जो पार्ट होता है वो बल्ब वाला पार्ट होता है, ठीक है, बल्ब वाला पार्ट मतलब ये वाला जो है, ठीक है, इसका बल्ब वाला पार्ट है, तो ये वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट रहता है, ये वाले पार्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है इस तरह से रीडिंग्स दी रहती है सेंटीग्रेड में,
तो ये जो पार्ट होता है बल्ब वाला पार्ट, ठीक है, जो हमको थोड़ा सा कैसा दिखता है, ये ग्रे कलर का दिखता है। कैसे दिखता है? ग्रे कलर का। इसमें प्रेजेंट रहता है हमारा मर्क्यूरी, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? मर्क्यूरी। तो ये थर्मामीटर जो है, ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है? इसमें प्रेजेंट रहता है हमारे पास में मर्क्यूरी, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? इसमें प्रेजेंट रहता है मर्क्यूरी। ओके, ये ना लिक्विड फॉर्म, ये किस फॉर्म में रहता है? ये लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में रहता है। उसके बाद में सोडियम टिटेनियम जिर्कोनियम मेटल आर यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, एंड स्पेस साइंस प्रोजेक्ट। ओके, सो ये जो सोडियम टिटेनियम और जिर्कोनियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी बनाने के लिए, जैसे ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एटॉमिक बॉम्ब सुना होगा, ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब सुना होगा। तो एटॉमिक बॉम्ब्स, ठीक है, ये जो जो भी फॉर एग्जांपल ब्लास्ट वगैरह होते हैं, क्लियर है, तो इनमें न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, क्लियर, इसमें क्या होती है? न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है। और न्यूक्लियर रिएक्शंस का मतलब क्या होता है कि एटम्स के जो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, एटम्स के जो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो है ये रिएक्शन होती है, ठीक है, और उसके वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जब बॉम्ब फटता है तो कितनी ज्यादा जो है हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, लाइट निकलती है ना। सो वो आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो होती है एनर्जी, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है और ये रिएक्शन भी बहुत डेंजरस होती है, ठीक है ना। सो सोडियम टिटेनियम जिर्कोनियम, इनका यूज किया जाता है एटॉमिक एनर्जी के लिए, क्लियर है, एंड स्पेस साइंस प्रोजेक्ट। ओके, जिर्कोनियम मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील। ओके, तो देखिए ये बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील, ठीक है, ये बनाने के लिए जो हम लोग जिर्कोनियम मेटल का यूज करते हैं, तो ये भी आपको जो बात है जो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील बनाने के लिए हम लोग जिर्कोनियम मेटल का यूज करते हैं। बुलेट प्रूफ मतलब जो बुलेट से बचा सके अपने को, है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये बुलेट आ रही है, तो ये बुलेट जो है, ठीक है, ये अगर फॉर एग्जाम्पल ये बुलेट प्रूफ हमारी जैकेट है, तो ये हमको हार्म नहीं करेगा, ठीक है, ये क्या कर लेगा? इसको रोक लेगा, ठीक है, ये क्या कर लेगा? इसको रोक लेगा। ओके, सो लीड मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग कार बैटरी, इसके बारे में भी मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया, क्लियर है। सो बहुत सिंपल से यूजेस है, वेरी सिंपल, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा हमको जो है डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग, ठीक है, जितने भी यूजेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये कैसे है, ये बहुत सिंपल है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स की। तो सबसे पहले तो आप ये कि इमेज देख सकते हैं, जैसे कि ये इमेज आपके सामने है। ओके, सो जैसे कि मान के चलो आपके घर में सेल है, ठीक है, चाहे वो घड़ी का सेल हो, ठीक है, घड़ी का सेल हो, घर घर में जो बड़ी सी घड़ी रहती ना, घर में एक बड़ी सी घड़ी रहती है अपने, ठीक है, लिखा रहता है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से, ठीक है। सो ये जो घड़ी रहती है, इनके जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जैसे आप ड्यूरासेल की बात कर लें, ठीक है, ड्यूरासेल की बात कर लें, या एवरीडे की बात कर लें, ड्यूरासेल की बात कर लें, एवरीडे की सेल बात कर लें, जब वो सेल को आप थोड़ा सा कभी फॉर एग्जांपल घर में आपका आपके पास खराब वाला सेल होगा, या रिमोट के सेल की बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, रिमोट, तो इनकी सेल आप निकाल के देखिए और कभी उसको फोड़ के देखिए अंदर से, तो आपको एक रॉड दिखेगी, वो रॉड कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है, ब्लैक कलर की जैसे रॉड आपको दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, ये कुछ इस तरह से जो है आप लोगों को अंदर रॉड दिखेगी। तो ये रॉड क्या काय की रहती है? ये रॉड रहती है एक्चुअली, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें फिजिक्स की लैंग्वेज में तो इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, और ये जो रॉड है ये किसकी है? ये है ग्रेफाइट रॉड, ठीक है, और ग्रेफाइट ये एक्चुअल में, ठीक है, कौन से एलिमेंट से बना रहता है? ये बना रहता है कार्बन से, ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, ओके, फॉर ड्राई सेल्स। आप ये इमेज में क्या देख सकते हैं? जो लिक्विड नाइट्रोजन है इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग फूड लाइक दिस, लाइक, ठीक है, आप देख सकते हैं केक बाय फ्रीजिंग क्विकली, है ना। एक्चुअली ये जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन गैस, इट इज वेरी स्टेबल गैस, ये कैसी गैस होती है? ये स्टेबल गैस होती है ना, स्टेबल गैस होती है, ये इजीली रिएक्शन नहीं करती,
ठीक है, जो भी एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन है या ठीक है जो भी है। तो नाइट्रोजन गैस जो है ये एक स्टेबल गैस है, ठीक है, स्टेबल गैस है। इस वजह से जो है इसकी इसका जो यूज़ है, आपने इवन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी डिस्कस किया है कि नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है फॉर जैसे कि जो पैकेज्ड फूड है ना, उसमें भी नाइट्रोजन यूज़ किया जाता है टू प्रिजर्व दैट फूड। ओके, यानी ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन को रिटार्ड करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं इसको कम करने के लिए, ठीक है, रिटार्ड, ठीक है, ऑक्सीडेशन जो है फूड का, उसको रिटार्ड करने के लिए, कम करने के लिए जो है नाइट्रोजन गैस का हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? उससे जो है फूड ज्यादा समय यानी लॉन्ग टाइम के लिए कैसा रहेगा, वो अच्छा रहेगा। तो हम लोगों ने देखा, जैसे कि ये वाला फोर्थ पॉइंट देखा हमने, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड ड्राई सेल्स। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, ये जो है लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल। तो जी हाँ, लिक्विड हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ इट्स लिक्विड स्टेट जो है रॉकेट फ्यूल, यानी रॉकेट फ्यूल का मतलब, ठीक है, रॉकेट को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो फ्यूल हम लोग यूज करते हैं, सो वो होता है हमारा लिक्विड हाइड्रोजन। ठीक है, सो हाइड्रोजन इन द लिक्विड स्टेट। ओके, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। तो इसके पहले हम लोगों ने रिएक्शंस देखे, कंपाउंड्स, ओके, हुज कंपाउंड्स आर यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर्स। तो देखिए, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ, N2 plus H2, हमने इस तरह से रिएक्शन देखे थे। ठीक है, एक्चुअली इस प्रोसेस का नाम होता है हैबर्स प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं इसको? हैबर्स नाम के साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस के बारे में बताया था, अमोनिया के प्रिपरेशन के बारे में। सो इसको प्रोसेस को बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में जो है ये रिएक्शन होती है। ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर और फॉर्मेशन होता है अमोनिया का। बैलेंस करने की अगर हम बात करें तो ये 3 times मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 times यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, ये गैस है। सो इसको ये है, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। क्लियर है? और ये जो अमोनिया है, ठीक है, इसका यूज किया जाता है, जैसे फर्टिलाइजर की बात करता हूँ, तो जैसे कि अमोनिया की रिएक्शन फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है, तो वो बनाता है अमोनियम सल्फेट, है ना। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4, है ना, NH4 की। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमोनिया की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम करते तो अमोनियम अपने को नाइट्रेट मिलेगा। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला है ये कुछ इस तरह से, ठीक है, ये 2 times रहता है, अमोनियम जो है 2 times रहता है। ओके, इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर एक चीज़ जो है एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये 2 times रहता है, इसको फॉर्मूले को मैं अच्छे से आपको करेक्ट करके देता हूँ। क्लियर है? सो इनका जो फॉर्मूला होता है, किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं होना चाहिए हमारे से। ठीक है, NH4, ये 2 times, SO4 अभी जो है ये करेक्ट हुआ, और NH4 ट्वाइस नहीं आएगा इसमें। ठीक है, नाइट्रेट जो होता है वो 1 minus रहता है। तो अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, ये क्या है, दीज आर यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इनका यूज किया जाता है एज ए फर्टिलाइजर्स। क्लियर है? तो ये जो है कंसेप्ट, आई होप कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इस बस हमको यूजेस याद करना है। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल टू मेक वेजिटेबल घी, है ना। सो देखिए, जो वेजिटेबल ऑयल है, विच इज इन अ लिक्विड स्टेट, है ना, लिक्विड स्टेट। क्लियर है? सो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मतलब होता है H2 का एडिशन। ठीक है, H2 का एडिशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। क्लियर है? तो जब वो कंपाउंड में हाइड्रोजन का एडिशन होता है, तो वहाँ पे जो बन जाता है, फिर कैसे बन जाता है, सेमी सॉलिड टाइप का जो है कंपाउंड बन जाता है, जिसको हम लोग घी क्या कहते हैं, घी कहते हैं। क्लियर है? घी कहते हैं। सो वेजिटेबल ऑयल से क्या बन गया, वेजिटेबल घी बन गया, जो कि सेमी सॉलिड होता है। हाई बस में इसको मैं और एक तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, आप आगे चल के स्टडी करोगे। ठीक है, जैसे कि होता क्या एग्जैक्टली, हाइड्रोजनेशन मतलब यहाँ पे जो भी कंपाउंड फॉर एग्जांपल है R है, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं, तो ये जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन का एडिशन होता है, यानी एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, सो उस तरह से फिर क्या होता है, ठीक है, उस तरह से क्या होता है कि यहाँ पर एडिशन हो जाता है, जो भी फॉर एग्जाम्पल आर, ठीक है, ये सी, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो एक्चुअली प्रोडक्ट दूसरा बन गया। इसका मतलब प्रोडक्ट दूसरा बन गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। तो एक है जो ऑयल है डबल बॉन्ड वाला,
और दूसरा जिसमें डबल बॉन्ड में एडिशन हुआ हाइड्रोजन का, वो क्या बन गया, सेमी सॉलिड बन गया। इस तरह से होता है, जो कि आप लोग नेक्स्ट जो कार्बन एंडेड्स कंपाउंड चैप्टर उसमें आप ये लोग आप जो है ये टॉपिक को डिस्कस करोगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको इतना ही बता सकता हूँ। ओके, सो ये हो गया इसका पार्ट। उसके बाद नाइट्रोजन इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, नेक्स्ट पार्ट देखिए, ड्यू टू इट्स इनर्टनेस, यानी नाइट्रोजन की इनर्टनेस की वजह से इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल, ये भी मैंने आप लोगों को बताया, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स आल्सो, ठीक है। एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स वाला जो चैप्टर है, ठीक है, सॉल्ट्स वाला जो चैप्टर है उसमें रेंसिडिटी वाले पार्ट में हम लोग ने डिस्कस किया था नाइट्रोजन गैस के बारे में, ठीक है। जो पैक्ड फूड मटेरियल जैसे चिप्स हो गया है ना, इनको पैक जो किया जाता है जिस गैस में वो होता है नाइट्रोजन गैस, ठीक है, टू प्रिजर्व फूड मटेरियल्स। कंपाउंड नाइट्रोजन लाइक ट्राइनाइट्रो टोल्यूम एंड नाइट्रो ग्लिसरीन, ओके, आर यूज्ड एज ए एक्सप्लोसिव, यस, ठीक है, एक्सप्लोसिव बनाने के लिए जो है यूज किया जाता है, किसको, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, कौन कौन से, ट्राइनाइट्रो, ठीक है, ट्राइनाइट्रो टोल्यूम, दैट इज TNT एंड ट्राइनाइट्रो ग्लिसरीन, ठीक है। एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव का मतलब क्या होता है, विस्फोटक, है ना, धमाके, जो धमाके करने के लिए जो सब्सटेंस यूज किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है एक्सप्लोसिव। आप लोगों ने नाम सुना होगा डायनामाइट, ठीक है, डायनामाइट क्या है, डायनामाइट भी एक तरह का क्या है, ये एक्सप्लोसिव है। किसने बनाया था ये डायनामाइट, मतलब किसने इसका इन्वेंशन किया था, ठीक है, तो वो है हमारे अल्फ्रेड नोबल, ठीक है, अल्फ्रेड नोबल, है ना, जिसके नाम पर नोबल अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, नोबेल अवार्ड दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है, इसकी डिस्कवरी किए थे। सो इसको बनाने के लिए जो केमिकल यूज किए जाते हैं ये यही है, जो नाइट्रोग्लिसरीन है ना, ये नाइट्रोग्लिसरीन यूज किया था उन्होंने, ठीक है, क्या बनाने के लिए, डायनामाइट बनाने के लिए, जो कि क्या है, एक एक्सप्लोसिव है, समझ में। सल्फर इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एग्जैक्टली, सल्फर का यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, H2SO4 बनाने के लिए, क्लियर, इसमें आप सल्फर देख सकते हैं। सल्फर इज यूज्ड एज ए फंजीसाइड एंड इन मेकिंग गन पाउडर, एग्जैक्टली, देखिए गन पाउडर जो बना, फंजीसाइड मतलब, ठीक है, जो फंगस है उनको किल करने के लिए, गन पाउडर का मतलब क्या होता है, ठीक है, गन पाउडर सब समझ में आ जाते हैं, गन में यूज होने वाला पाउडर, दैट इज गन पाउडर। सो गन पाउडर की एक्चुअल में आपको कंपोनेंट बताना चाहूंगा, गन पाउडर में यूज होता है चारकोल, ठीक है, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट मैं लिख देता हूँ और फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो KNO3 होता है, ठीक है, KNO3, और मैंने क्या बोला, सल्फर, ठीक है, सल्फर, ये तीन कंपोनेंट से जो है क्या बनता है, गन पाउडर बनता है, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना अच्छे से, क्लियर है। तो हमारे कितने हैं, ये 6th पॉइंट भी हो गया, ठीक है, 7th भी हो गया हमारा, क्लियर, 8th भी हो गया, 9th भी हो गया, क्लियर है। एंड सल्फर इज यूज्ड इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल रबर इंडस्ट्री है, ठीक है, रबर इंडस्ट्री है, ठीक है, अगर हम बात करें जैसे गाड़ी के जो टायर होते हैं, ठीक है, टायर, ठीक है, दे आर ऑल्सो द फॉर्म ऑफ रबर, ये भी क्या होता है, रबर के फॉर्म होते हैं। तो होता क्या है, जैसे कि जो भी फॉर एग्जांपल सॉफ्ट रबर है ना, जनरली जो सॉफ्ट रबर होता है उसमें सल्फर प्रेजेंट नहीं होता, तो हार्ड करने के लिए है ना, जो भी फॉर एग्जाम्पल टायर है, टायर कैसे रहते हैं, ये हार्ड रहते हैं, है ना, ये हार्ड नहीं रहेंगे तो हमारी गाड़ी जो है, ठीक है, गाड़ी का होल्ड यानी वो जो वेट है उसको अच्छे से होल्ड कर पाएगा क्या, नहीं, और जल्दी खराब भी हो जाएगा अगर वो सॉफ्ट है, तो ये हार्ड रहते हैं टायर, है ना, जैसे आप बाइक के टायर बोल लो, ठीक है, बाइक के बोलो, कार के बोलो, है ना, ठीक है, कार के बोल सकते हो आप जो भी है, बड़े बड़े व्हीकल, ट्रक के बोल सकते हो, ये जैसे कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर का मतलब वही होता है, सल्फर यूज किया जाता है, ठीक है, जो भी फॉर एग्जाम्पल टायर है उनको, यानी जो भी रबर है उसको हार्ड बनाने के लिए, है ना, उसी को बोला जाता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना जो पॉइंट है ये समझ में आया होगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक ये यूजेस जो है बहुत आसान है, इनको यू ही आप लोग जो है याद कर सकते हैं, ठीक है, ये वो कोई बड़ी बात नहीं है, ओके, मुझे जितना समझाना चाहिए था जहाँ जहाँ वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।